मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अमरनाथ में एक अलग ही मंजर देखने को मिला है। देर रात जब सभी लोग सो रहे थे तब एक तेंदुआ अचानक घर में घुस आया और उसकी गुर्राहट से घर में सो रही 30 वर्षीय महिला सखुबाई पवार की नींद खुल गई। उसने देखा कि एक तेंदुआ उसकी 6 साल बेटी और 34 साल के पति पप्पा पवार पर हमला कर दिया, जिसमें पप्पा पवार घायल हो गया है। महिला बगैर डरे ही तेंदुआ से भिड़ गई और उसने डंडे से पीट पीट कर तेंदुए को भगा दिया और अपनी बेटी और पति की जान बचा ली है। अंबरनाथ में हाजी मलंग पहाड़ी पर कुछ परिवार रहते हैं। यहाँ बगैर दरवाजे के एक झोपड़ी में पप्पा और सखुबाई पवार का परिवार रहता है। यह परिवार गहरी नींद में सो रहा था कि गुरुवार शुक्रवार की रात करीब 2 बजे के आसपास में घर में तेंदुआ घुस आया। इस दौरान उसकी गुर्राहट से सखुबाई की नींद टूट गई। उसने देखा कि तेंदुआ उसकी बेटी की तरफ बढ़ रहा था और यह देखकर सखुबाई पहले तो डर गई, फिर अपने डर पर काबू पाया और उसने बेटी को उठाकर अपने पीछे छिपा लिया और ज़ोर से चिल्लाई। इसके बाद तेंदुए ने दूसरी तरफ मुड़कर उसके पति पप्पा पवार पर हमला कर दिया। उसके चेहरे पर काफ़ी जख्म हुआ है, मगर सखुबाई ने पास में ही पड़े डंडा उठा लिया और तेंदुए पर बरसाना शुरू कर दिया। इससे डंडे से पीट पीट कर तेंदुए को इसने भगा दिया। इससे दोनों की जान बच गई है। पप्पा पवार के चेहरे पर जख्म जरूर हुआ है और सुबह जब ये खबर आग की तरह आसपास के इलाकों में फैल गई, हाजी मलंग पहाड़ी के अन्य परिवार इस घटना से दहशत में है। घटना स्थल का दौरा करने वाली वन विभाग की टीम ने कहा है कि जानवर की पदचिन्ह दिख रहे हैं। हमलावर जानवर तेंदुआ या फिर लकड़बग्घा हो सकता है। वन विभाग ने ग्रामीणों से कहा है कि घबराए नहीं और सावधानी बरते।